भैया ये देख लें, मेरे हाथ ये रहे, एक हाथ ये रहा, एक हाथ से मैं फ़ोन पकड़ा हुआ हूँ और ये लैपटॉप ना खुद ही स्क्रॉल कर रहा है। सही है, रात का टाइम क्या हो रहा है? 3:30 हो रहे हैं सुबह के 3:30 बजे ये हो रहा है। तो आयतुल कुर्सी अब हम दोनों पढ़ लेते हैं, ठीक है? और मैं ऐसे ही जा रहा हूँ कमरे में सोने, नीचे नहीं देखूँगा ना पीछे देखूँगा। अल्लाह हाफिज़। Clock is ticking, time for the weekend, work is coming to an end. I got my eyes wide open, savoring the moment, trying to breathe it all in. If I could slow down the clock, I would. When I'm with you, I just feel so good. I'd hit replay every single night. So for now, let's just take our time. Now that I've got you by my side, tell me, are you ready for the अबे हट यार। सबसे पहले 1 मिनट साइलेंस क्यों, वो बताता हूँ। पहले 1 मिनट साइलेंस। इसलिए क्योंकि हमारा लाइटर गुम हो चुका है। लाइटर वो वाला, यस, मकसद ही ख़त्म हो गया जिंदा रहने का। एक और दफ़ा 1 मिनट साइलेंस। पक मोबाइल भी साइलेंट हो गया था गिर के। लाइटर ना घर में खोया है, घर में ही गिरा है, तो मतलब अब्बा के हाथ लगेगा। अब्बा के हाथ इतना फैंसी लाइटर लगेगा तो साइलेंस ही साइलेंस होगा फिर। मेरी इंट्रो देखी थी, उसका मकसद ये था कि अगर मेरी जगह शाहिद जाफरी या जैद अली वगैरह होते ना, उनका वीडियो का टाइटल होता घोस्ट कॉट ऑन कैमरा, मेरे घर में जिन का साया। मेरी हटने लगी है भाई, यकीन करो यही होता। अब असल में अगर घोस्ट कैमरे में कॉट हो गया ना, बाथरूम निकल जाएगा, बिस्तर पर बैठे रह जाओगे, 3 दिन तक बुखार चढ़ा रहेगा। ब्लॉग के टाइटल में कैसे डाल सकते हो यार तुम ये बात? अगर घोस्ट आ भी है कैमरे में तो आप उस वीडियो को एडिट करोगे? इतना तप्पड़ है, उसको अपलोड करोगे, उसका जिक्र करोगे? चल। एक तो नहाने के बाद मेरा जिसम या मुंह तो खुश्क होता ही नहीं है, क्योंकि पहले नहाने का पानी होता है, वो हल्का सा तौलिया से पोंछ लेता हूँ, रगड़ रगड़ के नहीं पोंछता, ऐसे ही कैजुअली पोंछ लिया, फिर उसी में पसीने का भी कुछ मिक्सचर होने लग जाता है। तो नहाने के बाद आधे घंटे तक तो जिसम सूखता ही नहीं है। सी छत पर बैठा हूँ, हवा चल रही है, पर गीला गीला आपको दिखता रहेगा। अब बताए YouTube से क्या फ़ायदा हुआ? YouTube से फ़ायदा हुआ कि अब मुझे हे नहीं भेजना पड़ता सबको रात के 2 बजे, किसी की स्टोरी का रिप्लाई भी नहीं करना पड़ता। यहाँ मुझ में और आप में फ़र्क आ गया, क्योंकि आपके साथ बताऊँ क्या होता है, आप पहले लिखते हो हे, फिर 1 घंटे बाद आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपसे दोबारा बोलती है कि अच्छा जी अब मैं चलता हूँ, फिर आप दोबारा हे भेजते हो। आपका भाई अब ये नहीं करता। और ये बातें मैं क्यों बताता हूँ? क्योंकि मैं क्या बताऊंगा? और देखो, आई एम द CEO ऑफ बीइंग अनस्क्रिप्टेड, ये मेरी वीडियो का टाइटल भी हो सकता है। हे आई एम द CEO ऑफ बीइंग अनस्क्रिप्टेड, लेकिन एंजाइटी में कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। पर अगर दुनिया में कुछ अनस्क्रिप्टेड एग्जिस्ट करता है तो वो ये है,
यहीं बैठे बैठे। अब देखो ऑकवर्ड हो गया ना, बैंडिंग सही नहीं की। अब समझ नहीं आ रहा इसको रखें वीडियो में या ना रखें, इन मेरे ख्याल में आज रख लेते हैं क्योंकि इसके अलावा सच कुछ दिखाने को था नहीं। तो ये सवाल देख रहे हो तो साविद भाई हैप्पी बर्थडे, अगर आप देख रहे हो लगता है 12 बजे के बाद अपलोड हो, बट हैप्पी बर्थडे।